तो ये है दोस्तों मेरे हाथ में Redmi Note 10 Pro। आप पूछेंगे आप डब्बा लेके क्यों बात कर रहा है, तो इसलिए दोस्तों क्योंकि मेरे पास एक ही डिवाइस है जिससे शूटिंग मैं करता हूं, तो ये सामने लगा हुआ है Redmi Note 10 Pro और ये है दोस्तों फोन का डब्बा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास ये डिवाइस है, क्योंकि बहुत लोग ये बोलेंगे कि इसके पास डिवाइस नहीं है और रिव्यू कैसे दे रहा, तो ये चीज इसीलिए मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि हमारे पास डिवाइस है। अब बात करते हैं दोस्तों Redmi Note 10 Pro में 3 महीने के बाद क्या क्या चेंजेस आई है, क्या ये फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, और इसका गेमिंग वगैरह कैसा है, हीटिंग कैसा होता है, बैटरी ड्रेन कैसा है, फ्लिकर होता है या नहीं होता है, सारा दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे, आपके सवालों का जवाब भी देंगे दोस्तों, और इसमें FAQ भी छोटा सा है लास्ट में दोस्तों, कंक्लूजन भी बताएंगे कि अंडर 20,000 में ये फोन आज के डेट में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए दोस्तों, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये वीडियो को आप कंसीडर कर सकते हैं Redmi Note 10 Pro और Pro Max दोनों के लिए, क्योंकि सेम अपडेट दोनों में आता है दोस्तों, बस कैमरा सेंसर का फर्क है यहां पर, बाकी सब कुछ ओवरऑल सेम है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लुकिंग एंड डिजाइन की। तो दोस्तों आज के डेट में अंडर 20,000 में अगर आपको बेस्ट प्रीमियम, अगर एकदम एक्सट्रीम जबरदस्त दोस्तों फोन चाहिए जो दोस्तों देखने में काफ़ी खूबसूरत हो, तो ये फ़ोन को आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिज़ाइन दोस्तों एकदम ही डिफरेंट है और एक फ्लैगशिप लेवल का दोस्तों दिखता है। अगर बैक कवर के बिना आप यूज़ करेंगे तो दोस्तों ये सही में लाजवाब है, उतना भी ज़्यादा दोस्तों थिन नहीं है, अगर हाथ में आप पकड़ेंगे तो ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन वगैरह यहाँ पर दी गई है और बैक में टफेस्ट ग्लास है, जिसकी वजह से दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कलर वगैरह जो है इसका अलग अलग टाइप का है, लेकिन सबसे ज़बरदस्त मुझे लगा मेरे फोन का ब्लू कलर। दोस्तों आपकी चॉइस है आपको कौन सा अच्छा लगता है, लेकिन अंडर 20,000 में अगर आप बोलेंगे कि प्रीमियम दिखने वाला फोन कौन सा है, तो Redmi Note 10 Pro और Pro Max को कंसीडर आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिजाइन वगैरह वाकई में काफी लाजवाब और बहुत ही जबरदस्त बनाया है, चाहे आप डिस्प्ले ले लीजिए या बैक ले लीजिए या दोस्तों साइड का उसका पार्ट जो होता है दोस्तों उसका फ्रेम उसको ले लीजिए, सब दोस्तों जबरदस्त लगता है। ऊपर से दोस्तों डुअल ऑडियो स्पीकर दिया गया है, जिसकी वजह से काफी जबरदस्त और प्रीमियम फील देता है दोस्तों ये फोन। अब बात करते हैं दोस्तों इस फोन के सबसे बड़ी खासियत की, कि अंडर 20,000 में दोस्तों सबसे पहला चीज है लुकिंग और फील में, इससे जबरदस्त फोन नहीं हो सकता अंडर 20,000 में, दूसरा और कोई फोन दोस्तों नहीं दे पाते हैं, आपको पता ही है दोस्तों ग्लास बैक के साथ और नहीं आता दोस्तों अंडर 20,000 में कोई भी फोन, तो दोस्तों प्रीमियम तो आपको लगता ही है। दूसरी चीज डिस्प्ले, दोस्तों डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों अंडर 20,000 में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले और सुपर एमोलेड डिस्प्ले और दोस्तों 1200 नीट्स का डिस्प्ले दोस्तों, इसके अलावा कोई दोस्तों फोन में, आप ही बता दीजिए कमेंट में दोस्तों कि कौन से फोन में ये दोस्तों जो डिस्प्ले में इसमें क्वालिटी दिया गया है वो मिलता है। तो दोस्तों यही है इसका डिस्प्ले की खासियत, 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले और दोस्तों 1200 नीट्स का ब्राइटनेस, तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में भी ये नंबर वन है दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में। अब बात करते हैं इसके बैटरी कैसी चलती है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग, लेकिन दोस्तों 33 वाट का फास्ट चार्जिंग को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बैटरी जो है दोस्तों इसका ऐसा है कि अगर आप नॉर्मल यूजर है तो एक दिन आराम से चल जाएगा दोस्तों, अगर गेमर वगैरह है तो आपको हो सके दोस्तों रात के 8 बजे तक आपको चार्ज करना पड़ जाए, ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि 5000 mAh की बैटरी है लेकिन दोस्तों 1-1.5 दिन नहीं चल रहा है, तो दोस्तों मैं अपने एक यूज़र से, मेरे एक दोस्त है दोस्तों, उसको मैंने सजेस्ट किया था कि आप Redmi Note 10 Pro नहीं ले, Realme 8 Pro ले ले। तो Realme 8 Pro लेने के बाद उनका मैसेज जो है आप स्क्रीन में खुद ही पढ़ सकते हैं, इस तरह का कुछ मैसेज आया, वो क्लियर बोल रहे हैं कि यार बैटरी एक दिन भी नहीं चल रहा है। तो दोस्तों 5000 mAh की बैटरी और 120 Hz का डिस्प्ले अगर आप साथ में यूज़ करेंगे 24 आवर दोस्तों, तो बैटरी बैकअप आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन कौन सा बच जाता है, Realme 8 Pro। अब Realme 8 Pro का बैटरी का कहानी हम आपको बता दिए कि फास्ट चार्जिंग तो वहाँ पर मिलता है लेकिन बैटरी नहीं चलता है, एक दिन भी नहीं चलता है। वो दोस्तों कमेंट में लिखेगा मैं फ्री फायर खेलता हूँ, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया भी नहीं खेलते दोस्तों, लेकिन उनका बैटरी जो है एक दिन भी नहीं चलता, तो आपको ये चीज समझना होगा, जबकि 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो ये चीज आपको समझना होगा कि यहां पर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल रहा है, कैरियर एग्रीगेशन वगैरह मिल रहा है और उसके बाद दोस्तों आपका बैटरी एक दिन टना जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो बैटरी में दोस्तों मुझे कोई टेंशन की बात नहीं लगी, किसी तरह का यहां पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला।
अब दोस्तों बैटरी की जब बात हो रही है तो साथ ही साथ मैं बता दूं कि बैटरी दोस्तों इसका कैसा चलता है। तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया 30 मिनट मैंने खेला दोस्तों, बहुत ही कचड़ा टाइप का खेला, ऐसा नहीं है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जैसे आप इसको स्क्रीन में दिखता होगा। तो दोस्तों मैंने 30 मिनट यहाँ पर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेला, 4-5 बार मर भी गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो टेम्परेचर सबसे पहले आया दोस्तों, हीटिंग भी आपको साथ साथ में बता दे रहे, तो हीटिंग जो आया 34 डिग्री टेम्परेचर से मैं खेलना शुरू किया दोस्तों, और 40 डिग्री टेम्परेचर तक दोस्तों लास्ट गया, मैक्स आपको दिखेगा दोस्तों वीडियो में। और उसके बाद दोस्तों 40 से ऊपर यहाँ पर टेम्परेचर नहीं गया। लेकिन बैटरी ड्रेन के बारे में बात करते हैं तो आधा घंटा का दोस्तों गेमिंग में 10% बैटरी डाउन हुआ है, जो क्लियर बात है वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अब ये इतना ज्यादा ड्रेन क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले मैं खेला था तो वहां पर 6% बैटरी ड्रेन हुआ था, लेकिन इस बार 10% बैटरी ड्रेन हुआ है। तो ये जो नया अपडेट आया है MIUI 12.5.4 का दोस्तों, इसमें बग है बैटरी में दोस्तों, बग है क्योंकि बैटरी जो है इसमें काफी ज्यादा ड्रेन हो रहा है, जल्दी ड्रेन हो रहा है। तो ये चीज Xiaomi अगर फिक्स कर देगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फिक्स नहीं किया तो इसी तरह से चलते रहेगा। तो बैटरी का ड्रेन दोस्तों मुझे देखने को मिला है इस अपडेट के बाद, जो क्लियर और फैक्ट बात है दोस्तों। अब बात करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो स्नैपड्रैगन 732G दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है, और वहीं पर 6GB का रैम भी साथ में है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। तो गेमिंग में मुझे दोस्तों कोई भी लैग स्टटर देखने को नहीं मिला कहीं पर भी दोस्तों, किसी भी तरह का फ्रेम ड्रॉप वगैरह नहीं मिला। मैं बैलेंस में भी दोस्तों अल्ट्रा में जाके खेल के आया, और उसके बाद HD में भी दोस्तों हाई ग्राफिक में मैं खेल के आया, लेकिन उसमें भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला इस फोन में। तो दोस्तों गेमिंग वगैरह अगर आप करेंगे तो कोई दोस्तों यहाँ पर टेंशन की बात नहीं, आराम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क आपका बराबर रहना चाहिए। अगर आपका नेटवर्क बराबर है तो कोई भी आपको लैग स्टटर देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही बैटरी ड्रेन मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बैटरी ड्रेन मुझे तभी मिला जब मेरा दोस्तों यहाँ पर जो पिंग है बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था। लेकिन दोस्तों टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से ऊपर नहीं गया, फिर मैंने टेस्ट किया दोस्तों आधा घंटा के बाद, तो फिर भी दोस्तों यहाँ पर जो टेम्परेचर है 40 से 40 39 39 से 40 इस तरह का जा रहा था, 40 से ऊपर नहीं गया दोस्तों टेम्परेचर, तो ये क्लियर बात है। बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि स्पीकर का इसमें प्रॉब्लम है, तो स्पीकर का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, स्पीकर पहले की जैसा है, बस यहाँ पर दोस्तों डॉल्बी ऑडियो का जो बटन ऐड किया गया है वहाँ पर दोस्तों इक्वलाइजर को आप उल्टा सीधा सेट कर दिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो डॉल्बी ऑडियो का साउंड आया है, जिसकी वजह से दोस्तों ये सपोर्ट आया है दोस्तों, लाजवाब साउंड देखने को मिल रहा है एकदम दोस्तों। हेडफोन चाहिए इसका, हेडफोन लगाइए, TWS लगाइए, नेक बैंड लगाइए, या दोस्तों आप डायरेक्ट स्पीकर में सुनिए, बहुत ही एक्सट्रीम और जबरदस्त आवाज आ रहा है दोस्तों इसमें, लाजवाब है इसका डॉल्बी ऑडियो का साउंड दोस्तों जो आया है। तो स्पीकर के मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट है, इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम वगैरह मुझे नहीं मिलेगा। अगर आपको मिल रहा है तो आपका अपना इक्वलाइजर दोस्तों डॉल्बी साउंड में जाइए, वहां पर दोस्तों डॉल्बी ऑडियो में जाइए, वहां पर इक्वलाइजर को सेट करिए अपने हिसाब से दोस्तों, तो वहां पर आपको जबरदस्त साउंड देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत, हैप्टिक फीडबैक, जो दोस्तों गेमिंग के टाइम भी देखने को मिलता है, और इसका हैप्टिक फीडबैक दोस्तों टक 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 की आवाज आती है, मतलब आवाज क्या फील होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों स्प्रिंग दिया गया है टक टक के लिए दोस्तों, हैप्टिक फीडबैक के लिए, ना ही दोस्तों इसमें मोटर दिया गया है, जो दोस्तों ओल्ड फैन में होता है कि मोटर घूमता है जिसकी वजह से मोबाइल वाइब्रेट करता है, तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्प्रिंग दिया गया है जो अंदर से एक दोस्तों पुशअप करता है, जो दोस्तों आपको गेमिंग में ही फील होगा। और डुअल स्पीकर के साथ दोस्तों गेमिंग खेलेंगे तो आपको क्लियर पता चलता है कि एनिमीज वगैरह किधर से आ रहे, किधर से फ्री फायर फायर वगैरह हो रहा, सब कुछ दोस्तों इसमें क्लियर पता चलता है। तो गेमिंग के मामले में भी दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट, और स्पीकर के बारे में बात कर रहे तो स्पीकर की वजह से दोस्तों ये जबरदस्त और लाजवाब लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरा की, तो कैमरा में बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि क्वालिटी घट गया ऐसा वैसा, लेकिन दोस्तों एक चीज बता दूं कि अंडर 20,000 में दोस्तों सबसे बेस्ट कैमरा अगर बोला जाए तो Redmi Note 10 Pro Max का है, जिसमें दोस्तों DxO Mark भी 106 का दोस्तों रेटिंग दिया है। ये चीज हमें समझना होगा, ऐसी जबरदस्ती हवा में नहीं दे देते। दूसरा नंबर पे जो फोन आता है दोस्तों बेस्ट कैमरा के लिए अंडर 20,000 में, Realme 8 Pro है दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरे नंबर पे जो फोन आता है Redmi Note 10 Pro दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि मैं Redmi Note 10 Pro लिया हूं तो एक नंबर में बोल दूंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, जो क्लियर और फैक्ट बात है वही बोल रहा हूं। क्योंकि सारे यूट्यूबर्स का वीडियो देख सकते हैं, खासकर ज्ञान थेरेपी का आप वीडियो देख सकते हैं, तो उन्होंने क्लियर यहां पर मेंशन किया है कि Redmi Note 10 Pro Max का सबसे जबरदस्त कैमरा आता है, उसके बाद Realme 8 Pro का आता है, और उसके बाद दोस्तों जो आता है आपको यहां पर दिखता होगा दोस्तों कि ये भी क्वालिटी आप देखते होंगे वीडियो का, तो आपका समझ में आया होगा। वैसे दोस्तों यहां पर थोड़ा सा दोस्तों कैमरा टेस्ट करके दिखा देते हैं, जो आप आगे देखते होंगे दोस्तों स्क्रीन में। तो दोस्तों ये है कैमरा आपके आंखों के सामने, आपको दिखता होगा, और यहां पर हम आएंगे दोस्तों, तो फोकस कैसा है आप देख लीजिए, आपको समझ में आता होगा। तो ये मेरा हाथ है,
और यहाँ पर दोस्तों फोकस एक बार ले रहा है, एक बार छोड़ रहा है, लेकिन दोस्तों अब देखिए किस तरह से लेता है। यहाँ लाए, फोकस हो गया, फिर हटाए, हट गया, फिर लाए तो थोड़ा इस बार लेट हुआ लेकिन आ गया। तो फोकस कैसा ले रहा है, कभी फास्ट लेता है, कभी स्लो लेता है, लेकिन ले लेता है। अब बात करते हैं दोस्तों पोर्ट्रेट की। तो पोर्ट्रेट शॉट कैसा आता है दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट के लिए ये वाला जो है सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों देख लीजिए, हम पोर्ट्रेट शॉट ले लिए यहाँ पर। अब बात करते हैं कैमरा क्वालिटी की। तो दोस्तों कैमरा क्वालिटी कुछ इस तरह से है, जो आपके स्क्रीन के सामने में है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। तो यही है दोस्तों, और आसमान वगैरह देख लीजिए आप। फ़ोटो अगर हम क्लिक करेंगे तो बहुत लोग बोलते हैं कि ओवर सैचुरेट होता है या क्या होता है, नहीं होता है, तो वैसा नहीं है दोस्तों, सिंपल सा आता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैमरा इसका लाजवाब है दोस्तों। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर कैमरा शॉट देखने को मिलता है, जो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो की दोस्तों। तो वीडियो क्या क्या मिलता है हमको, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पर से आप इसका स्टडी मोड को यहाँ पर ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों स्टडी मोड इसका ऑन है, यहाँ से ऑफ कर दिए, फिर ऑन करेंगे तो देखिए स्टडी वीडियो है, लेकिन स्टडी वीडियो जो है दोस्तों यहाँ पर चलेगा सिर्फ 1080p 30fps पे, उससे ऊपर आपको नहीं चल में देखने को मिलेगा। हाँ, स्टडी मोड ऑफ़ करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप 4K तक का जा सकते हैं, जो 30fps पे मिलता है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो स्टडी मोड यहाँ पर हम ऑन कर दिए स्टडी वीडियो। अब स्टडी वीडियो आप मूविंग ऑब्जेक्ट में भी ले सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट और मैक्रो में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैक्रो शॉट तो दोस्तों इसका लाजवाब है, उसमें दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही था दोस्तों, चलते हैं कैमरे के दोस्तों मूविंग ऑब्जेक्ट में, कि मूविंग ऑब्जेक्ट आप लोग यूज़ किए कि नहीं किए हैं, तो वो चीज़ थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर प्रो में जाते हैं तो प्रो कलर दोस्तों हमें थोड़ा ऐसा मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर मूविंग ट्रैकिंग की दोस्तों, मूविंग ऑब्जेक्ट किस तरह से होता है। तो वीडियो में गए दोस्तों और यहाँ पर मूविंग ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि हम एक्वेरियम के सामने, और आपको पता चलेगा। अब देखिए स्क्रीन में इस तरह से दोस्तों ये वीडियो शूट होता है, जो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में हम दिखा रहे थे, आपका भी टाइम बचे और हमारा टाइम बचे। तो दोस्तों इस तरह से मूविंग ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं, जो आपके आंखों के सामने है दोस्तों, जो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप एकदम सुपर स्टडी मोड में आप वीडियो ले सकते हैं आप। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि कैमरा टेस्ट वगैरह कैसा है दोस्तों। यहाँ पर फोटो मैंने हर तरह से क्लिक करता हूँ, चाहे मैक्रो हो, नाइट हो, डे हो, किसी भी तरह का दोस्तों। तो ओवर सैचुरेशन वगैरह मुझे कहीं नहीं देखने को लगता। हाँ, कहीं कहीं दोस्तों ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कलर को बूस्ट करता है, थोड़ा सा दोस्तों ग्रीन को और ज़्यादा ग्रीन दिखाता है, इस तरह का होता है। लेकिन एमोलेड डिस्प्ले में ये चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन पीसी में उसी को शिफ्ट करके देखेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जब कैमरे की बात ही हो रही है दोस्तों, तो एक चीज़ मुझे बहुत सारे यूज़र्स ये बोले कि नाइट फोटो में अगर आप फ्लैश के साथ फ़ोटो खींच करते क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक रिंग दिखता है। तो ये रिंग मुझे स्टार्टिंग में दिखा था दोस्तों, ये चीज़ सच है, और मैंने दोस्तों पोस्ट भी किया था अपने दोस्तों ट्विटर में। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर रिंग दिख रहा था, लेकिन ये MIUI 12.5.4 के बाद दोस्तों मुझे रिंग देखने को नहीं मिला। मैंने कल रात में भी टेस्ट किया, जो आप आपको आगे दिखता होगा दोस्तों वीडियो में, तो यहाँ पर साथ ही साथ चलता होगा दोस्तों। तो मैं रात में भी दोस्तों फोटो क्लिक किया, एकदम अंधेरे में भी क्लिक किया, तो दोस्तों मुझे रिंग वगैरह कहीं पर देखने को नहीं मिला। पहले देखने को मिल रहा था, ये बात सच है, लेकिन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं नेटवर्क की। तो नेटवर्क जबरदस्त आता है, कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है, तो दोस्तों मुझे नेटवर्क में कोई इश्यू देखने को नहीं मिला कहीं भी। हाँ, वाईफाई जब लेते हैं तो आप जो भी ऐप खोलते हैं उसमें ज्यादा फोकस होता है, बाकी बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसमें दोस्तों नहीं होता है, इस तरह का मामला देखने को लगता है। तो दोस्तों वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं वाईफाई में जाके, कि आपको एक ऐप में चाहिए या दूसरे में चाहिए। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मुझे वाईफाई में प्रॉब्लम मिल रहा है, तो वहां पर आप जाइए, रेगुलर में रखना है या दूसरा क्या ऑप्शन है आप देख लिख के बता सकते हैं दोस्तों। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं ये चीज किया हूं तो बता रहा हूं कि वहां पर रेगुलर और शायद जर्नल इस तरह का कुछ है। तो दोस्तों रेगुलर में आप रखेंगे तो सब आपको एक साथ मिलेगा, और शायद कुछ एक्स्ट्रा करके कुछ दिया गया है तो उसमें अगर रखेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं देखने को। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है दोस्तों गूगल डायलर। गूगल डायलर में मेरे साथ कल जो हादसा हुआ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट से मैंने दोस्तों कुछ ऑर्डर किया और वहां से दोस्तों वो कॉल कर रहे हैं मुझे, तो दोस्तों वो जो नंबर आ रहा है 033 इस तरह का कुछ नंबर आ रहा है, तो दोस्तों गूगल डायलर इसको स्पैम समझ के दोस्तों इसको रिंग होने ही नहीं दे रहा, कार्ड दे रहा है। बार बार वो लोग गया, उसके बाद डिलीवरी दोस्तों चल गया। जब मैंने कॉल किया तो बोला कि भैया आपको इतना ज़्यादा फ़ोन किया आपने कॉल नहीं उठाया। जब देखा मैंने तो फिर सामने सामने कॉल कराया तो पता चला
कि ये कंपनी का कॉल आता है दोस्तों, फ्लिपकार्ट का 033 करके जो नंबर आता है वो दोस्तों आया, तो गूगल डायलर जो है इसको स्पैमिंग समझता है जिसकी वजह से दोस्तों इसको कट कर देता है। तो ऐसा बहुत सारा कॉल और नंबर आता है जिसको गूगल डायलर स्पैम समझ के ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझना होगा कि अगर फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह में अगर आप कुछ ऑर्डर किया और उधर से कॉल वगैरह आएगा तो ये कॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो गूगल डायलर में दोस्तों ये प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़ दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये फिक्स नहीं हो सकता, क्लियर बोल रहा हूँ दोस्तों, चाहे अपडेट आइए जो आइए कुछ भी आ जाइए दोस्तों, ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है जिसमें दोस्तों ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों प्रॉक्सिमिटी सेंसर का प्रॉब्लम यहाँ पर सबको देखने को मिलेगा और ये चीज़ सॉल्व नहीं हो सकता, क्लियर बोल रहा हूँ दोस्तों, चाहे जितना भी दोस्तों इसमें अपडेट आ जाए। इसको दोस्तों मोशन के साथ बनाया गया है, अगर आप मोशन के साथ मोबाइल लाएंगे तो दोस्तों प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑफ काम करेगा और ऑफ होगा मोबाइल, मतलब स्क्रीन ऑफ होगा, अगर दोस्तों ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है दोस्तों, चार्जिंग टाइमिंग जो है 2 घंटा है, क्लियर बोल रहा हूँ दोस्तों, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, 2 घंटा लगता है दोस्तों, और इसको फिक्स नहीं कर सकता शाओमी, ये भी बोल रहा हूँ, अगर फिक्स करने का रहता तो वो लोग स्टार्टिंग में करते हैं 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट इस तरह का करते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं हुआ है, तो इसका 33 वाट का कोई मतलब नहीं बनता, चार्जिंग ये स्लो करेगा, ये बात क्लियर है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे जो देखने को लगा दोस्तों, मैं यूट्यूब वगैरह बनाता हूँ, आपको पता ही है जो वीडियो आप देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैं कुछ भी टाइप वगैरह करता हूँ, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं टाइप वगैरह कर रहा था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दोस्तों कीबोर्ड में एक वक्त के बाद दोस्तों लैग देखने को मिलता है, जो बहुत ही इरिटेटिंग होता है दोस्तों। तो अगर आप गर्लफ्रेंड वगैरह रखे हैं दोस्तों अमेज़न अगर आप गर्लफ्रेंड वगैरह रखे हैं और व्हाट्सअप वगैरह में चैट वगैरह करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्व ये है कि आपको जी बोर्ड जो होता है दोस्तों, गूगल का जो आता है, उसको नहीं यूज़ करके इसका खुद का डिफॉल्ट जो है आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर लैग स्टटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, वरना दोस्तों आपको लैग स्टटर देखने को मिलेगा दोस्तों आपको कीबोर्ड में। अब बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सवाल किया है, तो सबसे पहला सवाल आया था स्क्रीन फ्लिकर का, तो स्क्रीन फ्लिकर का दोस्तों स्टार्टिंग में मुझे देखने को मिला था, लेकिन आप कोई भी फ्लिकर देखने को नहीं मिला, मैंने टेस्ट किया है डे में, नाइट में, नाइट मोड में, कम ब्राइटनेस में, हाई ब्राइटनेस में, सब में दोस्तों टेस्ट किया, लेकिन मुझे स्क्रीन फ्लिकर का कहीं पर भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। रेड टिंट के बारे में बात करते हैं, तो रेड टिंट मुझे कहीं कहीं देखने को मिला, लेकिन हर जगह देखने को नहीं मिला दोस्तों, जैसे कैमरा वगैरह में आपको रेड टिंट देखने को मिलेगा, डार्क मोड में एकदम अंधेरे में जाएंगे तो वहाँ पर हल्का सा आपको देखने को मिलेगा, वो भी ब्राइटनेस बहुत लो कर देंगे, तब अगर हाई रखेंगे तो नहीं होगा। अब ये इसलिए दिखता है दोस्तों क्योंकि इसका जो सेंसर है दोस्तों वो डिटेक्ट करता है जो आपका बैकग्राउंड है आसपास का दोस्तों, उस हिसाब से वहाँ पर नाइट में आपको दिखाता है दोस्तों, यहाँ पर इस वजह से ये चीज़ हल्का सा रेड टिंट देखने को मिलता है। वैसे अगर आप वीडियो वगैरह देख रहे हैं या फोटो क्लिक कर रहे हैं तो उसमें रेड टिंट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं, दूसरा सवाल जो आया है कि बैटरी ड्रेन होता है रात में अगर आप छोड़ देते तो होता है, तो दोस्तों मैं भी छोड़ के देखा हूँ, अगर आप नेट ऑफ करके रखेंगे तो बैटरी जो है 4% गिर जाता है, क्लियर बोल रहा हूँ, यहाँ पर स्क्रीन शॉट वगैरह आपको दिखता होगा दोस्तों, तो 4% बैटरी गिरता है अगर किसी का ज्यादा गिर रहा है, क्योंकि एक बंदे को मैंने बोला था कि उन्होंने पूछा था कि बैटरी ड्रेन हो रहा है रात में रख रहे हैं, 11-12% गिर जा रहा है बैटरी, तो मैं उनको बोला कि फ्लाइट मोड में चेक करिए, अगर फ्लाइट मोड में वो चेक किया तो बैटरी ड्रेन नहीं हुआ, 2% खाली हुआ, तो मतलब ये है कि आपका जो नेटवर्क है अगर वो बराबर रहेगा तो बैटरी ड्रेन नहीं होगा, नेटवर्क बराबर नहीं है तो बैटरी ड्रेन होगा, चाहे आप Redmi Note 10 Pro यूज करिए या कोई भी डिवाइस यूज करिए। बात करते हैं साउंड नोटिफिकेशन का, तो साउंड नोटिफिकेशन का दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन पहले आ जाता है और साउंड बाद में आता है, ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जैसे ही नेट ऑन करेंगे तो वहाँ पर गड़गड़ा के मैसेज आता है और साउंड वगैरह जो है दोस्तों बाद में आता है। अब इसको Xiaomi फिक्स कर दिया है, क्योंकि दोस्तों ये इसलिए किया है कि बार बार अगर आपको 10-15-20 हज़ार मैसेज आता है, जैसे मुझे आता है दोस्तों, तो 15-20 हज़ार अगर मैसेज आएगा और एक साथ दोस्तों टिन 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 करेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए दोस्तों इसका AI इंजन काम करता है, जिसकी वजह से दोस्तों सारे मैसेज का दोस्तों जो साउंड होता है वो एक बार में शो करता है, तो इस तरह का है, तो ये कोई बग नहीं है दोस्तों, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि AI इंजन काम करता है दोस्तों, उसके बाद आपको ये फंक्शन देखने को मिलता है। और लास्ट सवाल ये है कि इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर फिक्स होगा, तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ नहीं होगा, ये हार्डवेयर लेवल का काम है, सॉफ्टवेयर अपडेट दे के इसको दोस्तों सॉल्व नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब मैं कंक्लूजन में आते हैं
कि मुझे ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आज के डेट में। देखिए दोस्तों, आज के डेट में अगर आपको 5G फ़ोन लेना है तो iQOO Z3 आप ले सकते हैं आँख बंद करके। अगर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए और गेमिंग वगैरह उतना नहीं करते तो Realme X7 ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि 5G अगर आप ले रहे हैं दोस्तों तो बहुत सारी टेंशन है अभी 5G में। VoNR जैसे वोल्टी आया था तो VoNR आया है दोस्तों 5G में। अगर आप जियो का सिम यूज़ करते हैं तो VoNR के साथ आएगा। आप बताइए दोस्तों, क्या 5G में अभी VoNR आया है? अगर आया है तो वो फ़ोन ले सकते हैं, अगर नहीं आया दोस्तों तो अभी 5G के लिए होल्ड करिए। दूसरा चीज़, 5G दोस्तों आने में अभी 2 साल इंडिया में और है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ दोस्तों, इतना जल्दी नहीं आएगा। तीसरा चीज़ दोस्तों, आप कौन सा लें, Redmi Note 10 Pro Max ले या Redmi Note 10 Pro ले? तो दोस्तों Pro Max और Pro में दोस्तों सिर्फ एक ही फर्क है, 108 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 64 मेगापिक्सल के साथ आप ले सकते हैं Redmi Note 10 Pro दोस्तों 17,999 18,000 में। लेकिन दोस्तों 2,000 रुपये और मिला देंगे तो यहाँ पर दोस्तों 19,999 रुपये में दोस्तों आपको मिल जाएगा Redmi Note 10 Pro Max। तो दोस्तों यहाँ पर 2,000 रुपये आपको बचाना है या बिगाड़ना है वो आपकी मर्जी। अब बात करते हैं अंडर 20,000 में क्या ये फ़ोन बाय कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि 5G लेना है तो ये दोनों देख लीजिए, लेकिन अपने हिसाब से दोस्तों, क्योंकि ये सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा 5G दोस्तों मैं कुछ नहीं बोल सकता, यहाँ पर क्लियर बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, Realme 8 Pro ले या Redmi Note 10 Pro ले? तो दोस्तों दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर आप एक एक्सट्रीम गेमर है तो Redmi Note 10 Pro ले लीजिए, अगर आप एक्सट्रीम गेमर नहीं है तो Realme 8 ले लीजिए। अगर फोन ज्यादा गिरता है तो Realme 8 Pro ले लीजिए, अगर फोन ज्यादा नहीं गिरता है तो Redmi Note 10 Pro ले लीजिए। अब आप बात करेंगे कि सबसे ज्यादा एक्सट्रीम गेमर है तो दोस्तों आप आंख बंद करके जाइए iQOO Z3 ले लीजिए या फिर दोस्तों Poco X3 Pro ले लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों ये डिवाइस किसके लिए है। तो दोस्तों अगर आप गेमर हैं, मतलब गेमिंग वगैरह करते हैं थोड़ा दोस्तों नेक्स्ट लेवल में जाके। दूसरा चीज, अगर आप फोटो वगैरह ज़्यादा क्लिक करते हैं एकदम बेस्ट दोस्तों, आपको कीड़ा है दोस्तों अंदर से कि हाँ हमको फोटो क्लिक करना है। और तीसरा चीज़ दोस्तों, आप वीडियो वगैरह देखते हैं उस टाइप का ही वीडियो देखते हैं दोस्तों, अच्छा एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो दोस्तों ये फ़ोन लीजिए। वरना दोस्तों आपको सिर्फ गेमिंग करना है तो Poco X3 Pro ले लीजिए। वरना दोस्तों अगर आपको सिर्फ वीडियो वगैरह देखना है और फोटो वगैरह क्लिक करना है तो Realme 8 Pro ले लीजिए। तो यही कंक्लूजन था दोस्तों। वैसे आज के डेट में ही दोस्तों ये वैल्यू फॉर मनी दे रहा है आपको, तो ये फ़ोन आप कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह का अमेजिंग वीडियो हम देते रहते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।